सभी भाइयों को नमस्कार, सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल यादव डेयरी फार्म पे। यादव डेयरी फार्म आपको एक अच्छी क्वालिटी का पशु दिखाने के प्रयास में हर उस पशुपालक तक पहुंचते हैं जो चाहे एक पशुधन अपने घर पे तैयार करने वाला पशुपालक हो। ज़्यादातर हमारी वीडियो जो बिक्री का काम करने वाले पशुपालक हैं उनके यहाँ से आती है, क्योंकि आज जो अदर स्टेट जो बायर्स की डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा है, और पशुधन किसान के घर से एक एक पशु दिखा के हम बात करें जो पशुपालक है उनकी डिमांड को पूरा नहीं किया जा सकता। तो हम जो बिक्री का काम करने वाले भाई हैं, साफ सुथरे पशु, साफ सुथरा जो काम कर रहे हैं उनकी वीडियोस लेके आते हैं। आज फिर से एक नई वीडियो लेके हाजिर हैं, क्योंकि काफी टाइम से इकट्ठा जो इतना सारा पशुधन नहीं दिखाया था, बीच में दीपावली का जो त्योहार था उसके कारण सभी भाई रेस्ट पे चल रहे थे। तो आज एक फिर से एक नया डेयरी फार्म है हमारे चैनल के लिए। वैसे क्या पता भाई पहले से भी जानते हों, लेकिन अपने चैनल पे पहली वीडियो लेके आ रहे हैं। जो भी भाई इस कवरेज को पहली बार देख पा रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही में बेल आइकन प्रेस करें ताकि इन फ्यूचर हम जो भी न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। सबसे पहले आपको मिलवाएंगे, युवा पशुपालक हैं, काफ़ी सारा पशुधन लेके एक साथ आप भाइयों के समक्ष हाजिर हुए हैं। सबसे पहले इनका जो एड्रेस है वो जानेंगे डिटेल से, फिर एक एक पशु के बारे में जानेंगे। नमस्कार जी भाई साहब। अपना शुभ नाम क्या है? गाँव। अपनी डेयरी फार्म का क्या नाम है? गुसाई जी डेयरी फार्म। अपना ये फार्म कौन से रोड पे कहाँ पड़ता है जो पशुपालक वीडियो देख? बगला रोड पे पड़ता है। बगला बादरा रोड पे पड़ता है। इसार से कितनी दूर होगा? इसार से 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर। तो आज कितने पशु दिखा रहे हो आप? 8 पशु। अपना रूटीन से बिक्री का ही काम है। शुरुआत पहले नंबर की भैंस से करते हैं, इसकी क्या डिटेल्स है भाई साहब? कौन से ब्यात की है? दूसरे ब्यात की है साहब। जी जी। 15 लीटर दूध है। हाँ हाँ। 15 लीटर है ये। जी जी। एक बार इसको खुलवाना। साथ में बच्चा क्या है इसके? मेल काफ। 15 दिन की बैई हुई है, 15 लीटर दूध, साथ में मेल काफ। बात करें क्वालिटी की, आप देख पा रहे हैं एक सींग की जो पोली है वो उतरवा रखी है, लेकिन फिर भी सींग राउंड है, छोटे सींग की है, अर्डर क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन है, और जो थनों की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। क्योंकि एक पशु दिखाने वाला आपको एक बेहतरीन क्वालिटी का पशु दिखा सकता है, लेकिन इकट्ठे इतने पशु दिखाने वाला हर उस पशुपालक के लिए पशु लेके आएगा जो चाहे शौकीनी तौर पे घर रखने वाला हो, या ज़्यादातर जो बड़े डेयरी फार्म चलाने वाले हैं अदर स्टेट जो बायर्स, उनके लिए इकट्ठा एक साथ इतना सारा पशुधन दिखा रहे हैं। ये देख सकते हैं आर्डर बहुत ही शानदार टाइट आर्डर की है, चारों थन अलग अलग साफ सुथरे। आगे दूसरे नंबर पे इसकी क्या डिटेल है भाई? कौन से ब्यात की है? तीसरे ब्यात की साहब। जी। 12 लीटर दूध है। जी। 75,000 रुपए रेट रखा है। कितने दिन की ब्याई हुई है? हफ्ते की ब्याई हुई है। अच्छा, हफ्ते की ब्याई हुई है। बच्चा कौन सा है? साथ में कटड़ी है। काफी टाइम के बाद कैमरे के सामने कोई फीमेल काफ आई है। अभी 72,000 रुपए जो इसकी प्राइस रेंज रखी है, 75,000 रुपए, 75,000 रुपए इसका रेट रखा है। आर्डर की क्वालिटी आप देख सकते हैं, और लगभग कितना दूध निकाल देगी ये पूरा पीक पे एक महीने? 14-15 लीटर दूध 72,000 रुपए में। वो चाहे अपने जो डेयरी फार्म पे पशु दूध बेचने के लिए लेने वाले हों, क्योंकि एक कम प्राइस रेंज में है, हर पशुपालक के बजट में है। ये देख सकते हैं इसका आर्डर। सींग थोड़ा सा खुला जरूर है, लेकिन रेट के साथ हर चीज मेंटेन होती है, क्योंकि आज पशुधन काफी महंगा है और दूध बेचने वाले भाई इस हिसाब से पशु खरीदते हैं कि बाद में अगर बिक्री करें तो उसमें उनकी जो लागत लगाई है वो दूध में पूरी हो जाए। आगे तीसरे नंबर वाली है, इसकी क्या कुछ डिटेल है? पहले जी जी। जी। हफ्ते की ब्याई हुई। एक बार इसको भी खोलना। दांतों में कैसे है भाई? चार दांत। पहले ब्यात की 12 लीटर दूध, हफ्ते की ब्याई हुई। साथ में कटड़ा है? कटड़ी मेल काफ। इसके साथ में कटड़ा है, बिल्कुल छोटे सींग की। शरीर का साइज एक ऐसा साइज है कि लगभग आने वाले टाइम में अगर ये 4-5 बार भी काविंग करेगी तो शरीर कॉम्पैक्ट साइज की है। एक बच्चे के लिए थोड़ा ज़्यादा वो कर रही है, दूर नहीं जा रही, लेकिन नीचे से दिखाना चाहेंगे। थन लेवा बिल्कुल टाइट आर्डर की है। ले आओ भाई, ले आओ, वापस ले आओ। ये देखिए पीठ पुट्ठा काफ़ी अच्छा। और रेट भाई साहब, इसका रेट क्या है?
अच्छा रेट मौके पे ही करोगे इसका, एक ही भैंस का रेट करोगे पहले नंबर पे। लगभग पहले जो एक भैंस का रेट किया है 75,000 रुपये, वो इसलिए किया है कि मान के चलिए जो पशुपालक कम से कम रेंज इनकी जो फार्म की है 75,000 से स्टार्टिंग होती है। इस भैंस की क्या डिटेल है भाई? पहले भैंस के जी हाँ हाँ साथ में बच्चा कटड़ी, पहले भैंस की 10 दिन की ब्याई हुई कटड़ी, साथ में 14 लीटर दूध आज तैयार है। ये दांतों में कैसे है? चार दांत बिल्कुल छोटे सींग की, ये देख सकते हैं जो चेहरे की बनावट है बिल्कुल शो क्वालिटी की, साइज काफी अच्छा, थनों में गैप भी काफी अच्छा है, थन थोड़ा मैं कहूँगा साइज में लंबा निकाल रखा है। काफी बार हर पशु की अलग अलग जो बनावट होती है, और साइज की बात करें साइज भी अच्छा है, टेल में लगभग कुछ ही बाल नीचे से वाइट है, ये देख सकते हैं ऑर्डर की क्वालिटी। थन फेस वैल्यू काफी शानदार है इस जोटी की। आगे इसके बारे में और बताएं भाई। पहले जी जी चार दिन की ब्याई है जी, खाली कर चुके खाली। इसके साथ में बच्चा क्या है? मेल काफी, इसको एक बार खुलवाना है इसको। काफी शानदार जो मैं बता रहा था, अच्छे और नॉर्मल पशु, हर तरह के पशु इकट्ठा इतना पशु रखने वाले पशुपालक हैं उनके यहाँ पे मिलेंगे। जोटी की बात करें क्वालिटी की, साइज की, शरीर की, तो काफी अच्छी जोटी है, बिल्कुल छोटा सींग है ये देख सकते हैं पहले ब्यांत में, और थनों की क्वालिटी नीचे से दिखाएंगे काफी अच्छी, ये देख सकते हैं आप बहुत ही बेहतरीन, नीचे से जो साइज है वो काफी अच्छा है। ले आओ भाई 12 लीटर दूध खीस से खाली करते ही। ये दांतों में ये भी चार ही दांत है, दो दांत है, दो दांत जोटी है, और ये देख सकते हैं स्वभाव वाइज भी काफी शांत, ताजी ब्याई हुई बच्चे को छोड़ के काफी बार दूर नहीं जा पाती। ये देखिए स्पेस वगैरह थनों में, थनों की बनावट काफी अच्छी, पीठ की चौड़ाई और सींग भी बिल्कुल छोटा है। दो दांत जोटी की बात करें तो काफी अच्छी जोटी ये कैमरे के सामने भाई लेके आए। इसके बारे में और बताएं जी। जी जी अभी तैयार है। हाँ हाँ हफ्ते की ब्याई है, हफ्ते की ब्याई हुई। इसके साथ में बच्चा क्या है? मेल काफ। मेल काफ, तो पहले ब्यांत की है, साइज बहुत बड़े साइज की है, लेकिन नीचे से दिखाना चाहेंगे टाइट आर्डर की है, क्योंकि जो टाइट आर्डर के पशु होते हैं वो दूध निकालने में कहीं ना कहीं सक्षम ज़्यादा मिल सकते हैं, लेकिन आजकल जो पशुपालक है बड़े आर्डर के पशुओं को ज़्यादा पसंद करते हैं। टाइट लेवे के वही पशुपालक पशु खरीदेगा जिसको एक अच्छे पशु की नॉलेज होगी। साइज किसी बुल के समान बहुत बड़ा साइज है इस जोटी का, एक बार नीचे से दिखाना चाहेंगे, देख सकते हैं आप थन। आगे एक और पशुधन, रेस्ट टाइम है पशुओं का, लगभग ये कवरेज हम 2 बजे के आसपास कर रहे हैं, क्योंकि शाम को मिल्किंग टाइम होने में काफ़ी जो समय अभी बाकी है। तो इसकी क्या डिटेल्स हैं भाई? दूसरे की जी जी 15 लीटर है जी, 5 दिन की ब्याई, 5 दिन की ब्याई, इसको एक बार खुलवा के बाहर निकाल लो। 5 दिन की ब्याई हुई है दूसरे ब्यांत की, अभी मौके पे 15 लीटर दूध तैयार है। इसका बच्चा क्या कटड़ा? कटड़ी, साथ में कटड़ी, और एक बार थोड़ा अंदर शेड थोड़ा लंबा है तो अंदर पशु पूरा क्लियर ना भी दिखे, देख सकते हैं आप इसका जो लेवे का साइज है बहुत ही शानदार। ले आओ भाई ले आओ, ये देखिए बिल्कुल छोटे सींग की, क्योंकि हर तरह के पशुपालक पहुंचते हैं, कोई भाई एक पशु रखने वाला है शौकीनी वो इन जोटियों को भी लेता है, और इकट्ठे पशु रखने वाले हैं वो आपको प्रयास करते हैं कि अच्छे से अच्छा पशु प्रोवाइड करवाएं। थनों की क्वालिटी आर्डर बहुत ही टाइट और जोशीला, थन भी बहुत शानदार है, ऐसे थन काफ़ी कम आपको मिल पाते हैं। लास्ट में एक और जोटी है, इसकी क्या डिटेल है भाई? दूसरे जी जी 12 लीटर दूध है जी, 4 दिन की ब्याई, 12 लीटर दूध 4 दिन की ब्याई हुई। ये देखिए एक बार आपको थोड़ा करीब से दिखाते हैं, सींग बिल्कुल छोटा है, और एक बार इसको भी निकाल ले आओ भाई, बाहर ले आओ उसको। दूसरे ब्यांत की इकट्ठे आपको एक साथ देखिए, पशु बहुत ज़्यादा है इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो रही है, लेकिन पशु आपको एक मीडियम रेंज से लेके और हाई लेवल तक के पशु भाई दिखा रहे हैं। ये जो बीच में पहले ब्यांत की 2-3 जोटी दिखाई और एक ये दूसरे ब्यांत की, काफ़ी अच्छे साइज की जोटियाँ हैं, काफ़ी अच्छी जो आर्डर की बनावट है ये देख सकते हैं आप। जो लास्ट में जोटी थी अंदर आपको पूरी ना भी दिखाई पड़ रही हो, लेकिन हम आपको अपनी कवरेज में साफ सुथरे पशु दिखाते। ले आओ जी,
ये देखिए, क्योंकि काफ़ी जो पशुपालक हैं उनकी पशुधन की डिमांड ज़्यादा रहती है और हम भी प्रयास करते हैं कि अच्छे से अच्छा पशु दिखाएं। ये देखिए नीचे से जो इसका लेवे की बनावट है वो भी काफ़ी अच्छी है, और इसके साथ में कटड़ा है, कटड़ी कटड़ी इसके साथ में फीमेल काफ। हर पशु के पीछे आपको जो काफ हैं वो यहीं पे बंधे हुए हैं। काफ़ी बार हमने ऐसा होते देखा है कि गाड़ियां भरने वाले हैं वो भाई जब पशुपालक खरीदने आते हैं यहाँ से, जब वो निकल जाते हैं बाद में जो डेड बच्चे हैं उनको गाड़ी में रख देते हैं, लेकिन सभी भैंस हैं उनके साथ में काफ आपको वही पशुपालक दिखाएगा जिसके पास जो चीज़ ओरिजिनल होगी। तो एक बार अपना जो संपर्क नंबर है वो बताएं भाई साहब। 9461 पूरा 581 और कोई नंबर 9484 82272। इनका मोबाइल नंबर रेगुलर चल रहा है, एक साथ काफ़ी सारा पशुधन दिखाया और हम आपको एक अच्छा पशु दिखाने का माध्यम मात्र हैं जिसमें हम रूटीन से वीडियोस दिखा रहे हैं। इनका जो डेयरी फार्म का एड्रेस है एक बार फिर से दिखाना चाहेंगे आपको, कैमरे में सामने आप देख पा रहे हैं जो इनके डेयरी फार्म का नाम मोबाइल नंबर हर चीज़ आपको दिखाई पड़ रही है। गाय भी रखते हो भाई साहब? तो गाय की ज़रूरत हो तो आप एक साथ यहाँ से इकट्ठे लोड ले सकते हैं, चाहे वो गाय हो चाहे भैंस हो। और काफ़ी साफ सुथरा मैं कहूँगा काम इसलिए दिख रहा है कि हर पशु की डिटेल उसके साथ में काफ वगैरह सब दिखाए हैं, क्योंकि हमने जो पशुपालक बाहर से आज 10 पशु खरीद के आ रहे हैं और वो यहाँ पे गाड़ी का लोड होने के बाद निकल जाते हैं, बाद में काफ़ी पशुपालक ऐसे हैं जो डेड पशु है के साथ में जो बच्चा है जो बिल्कुल ऐसी स्थिति में है कि गाड़ी में वो सफ़र ना कर पाए उसको भी साथ में रख देते हैं, बाद में वो पशुपालक के वहाँ पहुँचे तब तक वो डेड हो जाता है और ये बोलने का एक रास्ता हो जाता है कि गाड़ी में लंबा सफ़र था इसलिए डेड हो गया। तो आप लोग ये चीज़ ज़रूर देखें कि काफ कितने हेल्दी हैं और अपना पशु दो टाइम देख के जांच के लें। कोई भी भाई अधिक जानकारी के लिए इनका मोबाइल नंबर रेगुलर स्क्रीन पे चल रहा है, संपर्क कर सकता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सभी भाई वीडियो में जुड़े सभी का धन्यवाद करते हैं, सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, सलाम।